नमस्कार दोस्तों, आज हम बनाना सीखेंगे माइक्रो सेटिंग। माइक्रो सेटिंग कैसे की जाती है और किस तरह से करना पड़ता है, तो मैं आपको कंप्लीट वीडियो दिखाऊंगा कैसे क्या करना है, स्टार्टिंग से एंड तक। तो पूरा वीडियो देखिएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम एक सर्कल लेंगे। सर्कल समझो तो ले लेते हैं 10 mm का, ठीक है। 10 mm का सर्कल आ गया अपने पास। और स्टोन साइज क्या बिठानी है तो वो चेक कर लेते हैं। समझो ये अपना स्टोन साइज बिठाना है, तो एक 50 का है, तो उसके हिसाब से आप मार दीजिए ऑफसेट 1.8, ठीक है। मैंने 1.8 का ऑफसेट मार दिया उधर। ये मारने के बाद में इसको पेच मार देंगे। पेच मार के ओके, फिर सेंटर वाला ट्रिम कर देंगे। अगर ऐसा नहीं करना है तो सीधा से यहाँ पर कर्व एक्सट्रूड कर दीजिए, यहाँ से ये वाला कर्व एक्सट्रूड। बोथ साइड जा रहा है तो बोथ साइड इधर लिखा हुआ है, यस की जगह नो कर देना और वन साइड हो जाएगा 1.7, ठीक है। 1.7 का हाइट ले लिया है। तो उसके बाद में देखिए ये वाला सिलेंडर, इसमें जो कैसा स्टोन रहेगा, पूरा स्टोन का सिलेंडर देख लीजिए। सिलेंडर ऐसा रहेगा, साइड फ्रंट व्यू में से देखिए, यहाँ पर पॉइंट है, पॉइंट के नीचे यहाँ से यहाँ तक कितना है 1.5, फिर थोड़ा टेपर है, टेपर का साइज कैसा है 2.2 जितना टेपर लिया हुआ है, फिर वापस से नैरो किया हुआ है ऊपर से नीचे, ठीक है। तो अभी इस फोन को ऐड करके दिखा लेता हूँ मैं। यहाँ पर कितना ऑफसेट है, बाहर से 0.2 जितना ऑफसेट अंदर मारा है, और 0.2 ऐसा ऑफसेट मार के, और जो अंदर वाला लाइन रहेगा वो 0.2 नीचे ले लेंगे। फिर इसका ऑफसेट कितना मारा हुआ है, 0.27 जितना, उसके हिसाब से आपका ये सिलेंडर बनेगा, ठीक है। तो सिलेंडर आपको ऐसा बनाना रहेगा, देख लीजिएगा प्रोसेस, ठीक है। मैं आपको थोड़ा बहुत यहाँ से करके दिखा देता हूँ। जैसे कि 1.5 आ गया, 0.2 को ऑफसेट मारेंगे 0.2, फिर अंदर वाला जो छोटा वाला वो नैरो करने के लिए उसको 0.25 मार देंगे, ठीक है। तो अब ये होने के बाद में क्या करना रहेगा, इसको 0.2 जितना नीचे ले ले, और इसको तो थोड़ा ज़्यादा लेना पड़ेगा 2 mm जितना, इसको एज कर्व कर देंगे। यहाँ से एज कर्व नहीं होगा, लाइन लेके ऐसा, ठीक है। अब शिफ्ट टू 1 कमांड लिए, लेफ्ट एक कमांड लेके पहले इसको कर्व सेलेक्ट करो, फिर ये कर्व, फिर ये वाला कर्व आ जाएगा, ठीक है। ऐसे इसको पेच मार दीजिए और यहाँ पर एरिया सेंटर निकलेगा। एरिया सेंटर एनालिसिस में जाकर मास प्रॉपर्टीज में एरिया सेंटर आ जाएगा, पॉइंट आ गया। ये पॉइंट आपको पकड़ने के लिए, ओरिएंटेशन सर्फेस करने के लिए काम आएगा। तो इसको कर्व एक्सट्रूड कर देना है ऊपर की तरफ, थोड़ा ज़्यादा करोगे तो प्रॉब्लम नहीं, सॉलिड है सॉलिड नो कर दीजिए। एक 0.6 या 0.5, 0.6 कर लेते हैं, चलो कर दिया। ज्वाइंट मार देंगे और डुप्लीकेट, यहाँ से डुप्लीकेट एज निकालना है, फिर आपको पेच मार देना मेरा, ठीक है। पेच मार के फिर आपको वापस से ज्वाइंट कर देना है, पॉइंट रखना है, बाकी सब डिजाइन मार दो, पॉइंट और ये दोनों, ये हो गया। इस तरह से सिलेंडर बनेगा, ठीक। तो इस तरह से आपको सिलेंडर बनाना रहेगा इसका। तो बाद में आपको अभी ये सब सिलेंडर समझो मेरे पास रेडी है, तो मैं ऐसा लाइन लेके प्रोजेक्ट कर देता हूँ उसके ऊपर का। आगे अब यहाँ से जाएंगे ऑब्जेक्ट ओरिएंट ऑन सरफेस, ओरिएंट ऑब्जेक्ट ऑन सरफेस कमांड, ओरिएंट ऑन सरफेस कमांड हो गया सिलेक्ट, उसके ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ पर कॉपी यस कर देंगे और मिड सेक्शन ऑन करके पकड़ लेंगे उसको, ठीक है। ये तो समझो स्टोन बैठ गया। अब इसका एरे कॉपी कर देंगे, तो इसके लिए एरे होगा, एरे पॉलर रख, पॉलर एरे कमांड आएगा, समझो कॉपी में है 0 एंटर, कितना क्वांटिटी डालेंगे 16 डाला, 16 कमा अभी कम हो रहा है तो वापिस से एरे मारेंगे 20 डालेंगे, अभी भी कम हो रहा है, वापिस से एरे मारेंगे 22 डालेंगे, अभी थोड़ा परफेक्ट है, ठीक है, एकदम कॉम्प्लीट है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अभी समझो इतना तो सिंपल सा आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद में क्या रहेगा,
उसके बाद में जैसे कि अपना प्रॉन्ग होता है, तो प्रॉन्ग करने के लिए क्या रहता है कि यहाँ पर अभी प्रॉन्ग कटिंग काट के उसके अंदर से निकलेगा, जो मेटल के अंदर से प्रॉन्ग भी कटिंग होगा और सिंगल पार्ट में ये जो नीचे वाला जो सरफेस और उसका प्रॉन्ग वगैरह सिंगल भाग में सिंगल पार्ट में ही रहेगा, उसको कटिंग करके अंदर से निकालना पड़ेगा प्रॉन्ग। तो उसके लिए अपने को सबसे पहले यहाँ से ऑफसेट मारना पड़ेगा, इस चीज़ को ऑफसेट मारेंगे अंदर गया तो 0.4 होगा, ठीक है 0.4 अगर कम लगता है तो 0.4 कितना 4.5 भी कर सकते हो, 4.5 कर लेते चलो, ठीक है ये बन गया, ये दो को अंदर वाले चाहिए, ठीक है। इसके अलावा अब ये तो समझो रहने देते हैं इसको, पहले पहले यहाँ पर एक लाइन लेंगे। अब ये फ्लैट है, इसके लिए मैं आपको ऐसे करके दिखा रहा हूँ उसके ऊपर ही, बाद में जो ऊपर वाला रिंग के ऊपर बैठता है उसके लिए अलग सिस्टम होता है, नीचे ऐसा बना के रखना पड़ता है प्रॉपर वाले, फिर ओरिएंट ऑन सरफेस जैसे प्लेस करते हैं वैसा प्लेस होता है, ठीक है। तो वो मैं अगले वीडियो में दिखाऊंगा कैसे करना है, प्रोसेस सेम ही रहता है उनके लिए, जो माइक्रो सेटिंग होता है लेकिन थोड़ा प्रोसेस का नॉर्मल सा डिफरेंट रहता है। तो इसमें भी ऑफसेट मार दूंगा, लाइन लिया था मैंने पॉइंट पकड़ के ऑफसेट मार दिया, और ऑफसेट 0.4 0.4, ठीक है। इसको भी एरे मारने हैं जितना पीछे का है उतना उसका, अब इसके हिसाब से बाहर से थोड़ा ऐसा खोल देते हैं 2 पॉइंट है, यहाँ से करके इसको ऐसा खोल देते हैं, अंदर से थोड़ा सकड़ा कर देते हैं, ठीक है। इससे बाकी तो ये करने के बाद में यहाँ से मैं एम पकड़ के टेबल मार दूंगा 4-5 से, इसको ऐसा नीचे ले लूंगा, फिर इसको सरफेस बनाएंगे शिफ्ट करके, ठीक हो गया सरफेस। इसको भी इसको हिसाब से पॉइंट लेना पड़ेगा, ठीक है। अब हेलो ओके यहाँ अपने अन्नगर आइए जो, हाँ अन्नगर चालीस का, तो तेरे को काम आते हैं आइए जो, नहीं तो श्यामल बाजू आइए तो हाँ हाँ ठीक है। यहाँ तक करने के बाद में जैसे कि उधर मैंने पीछे कर देता हूँ, यहाँ से या तो एज सर्कस कर देते हैं, ठीक है उसको एक्सट्रूड कर देंगे 0.7 या 0.8 कर देंगे, ठीक है इसको ऐड कर देंगे 0.8 कर दिया, तो इसको फिर फिलेट मार देना है, फिलेट मारेंगे तो इसमें सही नहीं होगा, तो इसको एक्सट्रूड कर दीजिए और यहाँ से ब्लेंड सरफेस करना नीचे की तरफ, हम ब्लेंड सरफेस मेंटेन हाइट इन सेम हाइट में करना, इधर सेम हाइट का ऑप्शन आ रहा है तो सेम हाइट करना है, फिर ज्वाइंट फिर डुप्लीकेट बॉर्डर निकालना है, इसको पेच मार देना है, इसको भी पेच मार देना, ठीक है फिर ज्वाइंट कर देना, ये इतना हो गया। इतना होने के बाद में थोड़े स्केल वनली कर दीजिए अगर हाइट बढ़ाना है तो, ठीक है इसको ऊपर लेके जाएंगे यहाँ से। अभी यहाँ पर खड्डा प्रॉन्ग का हाइट कितना रखना है उसके हिसाब से कट मारेंगे, 1 2 3 0.6 0.7 0.7 का हाइट बराबर है, ठीक है। तो अभी इसको ब्लेंड डिफरेंस करेंगे इससे तो ये कट जाएगा इस तरह से, ठीक है।
इस तरह से अपना काट देंगे इसको। खुलने में करके काट देंगे, काट दिया। अब ये जो अंदर वाला का ऑप्शन मारा हुआ था इसको भी ले लेंगे, इसका भी कव एक्सट्रूड करेंगे यहाँ से। सॉलिड यस रखना है, बोथ साइड कर देते हैं अभी इसमें। 0.5 कर देते हैं इसको, 0.5 कर देते हैं या उससे थोड़ा कम है, 0.45 कर दिया। ठीक है, उसको डिफरेंस मार दिया, हो गया। सेलेक्ट पॉइंट यहाँ से और सेलेक्ट कर, सब डिलीट मार देते हैं। इसको भी अनग्रुप करना है, तो ये यहाँ से माइनस पे क्लिक करके फिर सेलेक्ट किया, फिर एक बार ग्रुप कर लेंगे। ठीक है, बाहर निकल गया। अभी इसमें थोड़ा ये सिलेंडर रहेगा, थोड़ा छोटा रहेगा लेवल से, मैंने थोड़ा लेवल टू लेवल रखा है, तो उसको छोटा कर देते। ठीक, इसके डिफरेंस मार देंगे, इससे भी खड्डा गिरा देंगे, ये थोड़ा नीचे रख देते हैं इसमें। ठीक है, टच नहीं होना चाहिए उसको। ठीक गया, इस तरह से कटिंग हो जाएगा। ठीक है, अभी ऑफिस से लाके बिठा के देख लीजिए आप। अभी ये हो गया, अभी इसके बाद में क्या करना रहेगा, यहाँ से आपको मिड सेक्शन ऑन रखना है और ये पकड़ना है सर। फिर इसको ऑफसेट मार दीजिए दोनों तरफ, 0.15 / 2। ठीक है, बहुत सारी कर दीजिए, 0.3, 0.35 मार देते। ठीक है, अब इसमें क्या रहेगा, 0.35 बहुत सारी कैंसिल कर देते हैं पहले एक बार। अब नीचे से जैसे नया रो जैसा रहना है ऐसा, ऊपर से थोड़ा चौड़ा ऐसा, इस तरह से रहता है। ठीक है, अब इसको मार देंगे। ठीक है, ये मार दिया, ब्लॉक कर देंगे इसको। बुलेट डिफरेंस, बुलेट डिफरेंस एक कट मार दिया। ठीक है, इस तरह से कट लग जाएगा, कट लगेगा तो इस वाला सेटिंग हो गया। इसको आप रेंडरिंग करके देख लीजिए ऐसा, यहाँ से गोल्डन कलर कर देता हूँ। इस तरह से इसको बोलेंगे माइक्रो सेटिंग बोलेंगे, और इटालियन सेटिंग भी बोलते हैं। ठीक है, तो इस तरह से प्रोसेस रहेगा। ये अभी फ्लैट वाला पीस है, इसके लिए मैंने आपको ऐसा करके दिखाया है, और जब ऊपर वाला पीस रहेगा तो उसमें थोड़ा डिफरेंट रहेगा, तो वो भी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में करके दिखाऊंगा। ठीक है, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।